माई चैनल, मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मुझे ये काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई है कि मैम जेल से सेटमेट जेल को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हेयर स्टाइल करेंगे। तो बॉयज़ के लिए तो बहुत इजी सा स्टेप है, आप सिंपल रोम हेड से मांगने जा रही हो, सारे बालों को बीच में रख के और साइड साइड में क्लिप लगा दीजिए, उसके बाद सेटमेट जेल लगाओ, जैसे रखोगे आपका बाल वैसे ही का वैसे रहेगा। बट गर्ल्स ये सेटमेट हेयर स्टाइल जेल कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे नए हो, सॉरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं सिलाई का कोर्स सिखाती हूँ। अगर आप सिलाई का काम सीखना चाहते हो, चाहे कोई भी सीखना चाहता है, तो चैनल शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम ही है सिलाई कोर्स। अगर सिलाई कोर्स डालने से तुरंत ना ओपन हो तो आप सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी डाल दो तो वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि न्यू चैनल है। तो प्लीज़ उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो उस चैनल को भी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सेटमेट जेल से आप किस टाइप की कितनी हेयर स्टाइल कर सकते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, मैं करते जाऊँगी और बता दूँगी कि कितने हेयर स्टाइल हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप सेटमेट जेल अप्लाई कर रहे हो तो आप जैसे कि लो वेट लो बन हेयर स्टाइल बनाते हो एकदम फ्लैट हेयर वाला, तो वो कर सकते हो। सिर्फ लो बन हेयर स्टाइल से ही आप सेटमेट हेयर जेल अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सिर्फ लो बन हेयर स्टाइल दिखाती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे बीच की पार्टिंग कर दी है बालों की। अब मैं जेल को ले लूँगी। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपने ये जेल अप्लाई किया तो आपके बाल झड़ने लग जाएंगे या फिर ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर अच्छी भी खुशबू है इसकी तो आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से अपने बालों को इसको अप्लाई कर दिया है। आप सेंटर पार्टिंग, मिडल पार्टिंग, वैसे मैंने सिर्फ ग्लोबल हेयर स्टाइल की दो हेयर स्टाइल की वीडियो अपलोड कर दी है विदाउट हेयर जेल, तो आप वो आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ हेयर स्टाइल को ही बना देगा, जैसे एकदम फ्लैट हेयर है तो आपको इस तरह की पतली दांतों वाली फॉर्म रख लीजिए अपने पास। तो मैं पहले बीच की मांग निकाल के दिखा देती हूँ। मेरे ख्याल से जब आप सिर्फ लो बन हेयर स्टाइल बनाते हो तो इसी ज़्यादा लॉन्ग मांग ना निकालें, जो आपका मांग है वो ज़्यादा लंबा मत निकालिए। पहले मैं मोटे दांतों वाली फॉर्म से इसको अच्छे से सुलझा लेंगी। अभी इसको अच्छे से फ्लैट फॉर्म करेंगे। अगर आपके आपका हेयर ऐसे वैसे जेल अप्लाई करोगे तब तो आपको क्लिप्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड में बने तो यहाँ पे क्लिप्स लगा लीजिएगा। एक आप इस तरीके से कर सकते हो सिर्फ लोगन हेयर स्टाइल, और यहाँ पे आप रबड़ लगा दीजिए बैक में। सेंटर पार्टिंग से हो गया। सेंटर पार्टिंग से इसी तरीके का आप एक और हेयर स्टाइल कर सकते हो। इसके लिए आपको बालों को थोड़ा ऊपर की तरफ कॉम करना है। ये वाला हेयर स्टाइल मेरी मॉम कर दी थी इस तरीके से, तो मुझे भी याद आ गया तो मैं आप लोगों को शेयर कर दी हूँ। वो कभी भी बालों को फ्लैट कर रही, मतलब नीचे की तरफ झुका के नहीं करती थी हेयर स्टाइल, वो उस तरीके से कॉम करती थी। मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है तो मुझे छोटी छोटी बातें याद आती रहती हैं। अटैच कर लीजिए। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। अब तक आपको लेयर्स निकाल
लगा सकते हैं, लेकिन फ्लैट वाले में मैंने कभी लेयर्स देखे नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो इस तरीके से आपका सेकेंड हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड वाला आपको साइड पार्टिंग से बता देती हूँ। मेरे चैनल पे आपको आसान से आसान और स्टाइलिश से स्टाइलिश हेयर स्टाइल की वीडियो मिल जाएंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पहले मैं अपने चैनल पे पार्लर का पूरा काम सिखाती थी, बट हेयर स्टाइल की वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही है, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और अच्छा भी है क्योंकि पार्लर का काम दूसरों को फेस पर बताना पड़ता है। मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो ज़्यादातर लड़कियाँ अपना फेस दिखाना नहीं चाहती हैं, तो इसके लिए मैंने हेयर स्टाइल स्टार्ट कर दिया। आपको फ्लैट यूज कर देना है फ्रंट से, और इसमें थोड़ा सा आपको इस साइड से इस तरीके से लेके जाना है वालों को, और यहाँ पे गोली लगानी है। सबसे ज़्यादा वाली कॉम से अच्छे से कॉम कर लीजिए। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको हाई बन बना रही बता रही हूँ, क्योंकि आप ये जेल के जरिए बहुत ही इजीली कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा वो हेयर स्टाइल आपके ऊपर। कोई भी हो, लॉन्ग फेस वाला, शॉर्ट फेस वाला, राउंड फेस वाला, फोरहेड चौड़ा है तो आप इस तरीके का प्लान साइड से क्लिक्स जरूर कर दीजिएगा। आपको पहले हाई बन बनाना है, हाई पोनीटेल बना लेना है। अच्छे से कॉम कर लीजिएगा। बाल आपके चिपचिपे हो रहे हैं, डेंटिफिकल आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक पोनी बना लेनी है। एकदम ऊपर में ठीक है, इस तरीके से पोनी बनाने के बाद से आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। आधे बालों को छोड़ देना है ओके। आधे बालों में आपको करनी है बैक कॉम्बिंग, ताकि आपके जो आपका बन बनेगा उसमें थोड़ा अच्छा सा एक वॉल्यूम आ गया, बन आपका काफ़ी बड़ा सा दिखे। अभी जो आपका ये हेयर बचा है इसको अच्छे से कॉम कीजिए, जेल ले लीजिए थोड़ा सा पार्लर हाथों पर, अच्छे से लगाइए, और इसको जो आपने ये बाल लिए हैं इसमें लगा दीजिए, पूरा जेल अच्छे से लगा दीजिए। इसको एकदम फ्लैट सा कॉम कीजिए,
चाहो तो हाफ हाफ पार्टी कर सकते हो, बाद में पहले हाफ हाफ कर लो। अच्छे से पूरा फ्लैट लुक दे रहे हैं बालों में। और इसको ऊपर से पूरा जितना भी ये हेयर है उसको ढक दीजिए। और ये पिन से ऐड कर दीजिए। ठीक है, अभी जो आपका हेयर बचा है इसको भी अच्छे से बम कीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो और ज़्यादा जेल अप्लाई कीजिए बालों में। थोड़ा सा जेल और ले लीजिए। आप इसको पहले रूटीन से पैक कर दीजिए अगर आपको वेबसाइट बनाने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद से आप ये बाल धो रहे हैं आपके, उसको अच्छे से कॉम करते हुए इस साइड में लेके आएंगे। ठीक है, तो बैक में इसको रूटीन से सेट कर दीजिए। अच्छे से ये वाला बाल आप अपना फैला लीजिए। अब ये जो हेयर बचे हैं इसको बैक से इस तरीके से कॉम कीजिए फैलाते हुए, और फिर यू पिन से सेट कर दीजिए। जो आप हेयर जेल अप्लाई करेंगे ये सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और सिंपल है, इजी है। आप घर पे हो, वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो। और यू पिन लगाने में कंजूसी ना करेगा अगर आपको हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो। ये हमारा फाइनल लुक है ये वाले हेयर स्टाइल का। अच्छे से कॉम कर दीजिए। देखने में भी काफ़ी सिंपल सा लुक आ रहा है इससे। तो हेयर जेल लगा के जिसके भी बाल मैनेज नहीं रहते हैं वो अपने स्टाइलिश बन बना सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप कि पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आई हो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों भी मेरे चैनल के साथ जुड़ पाए और मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो ये हेयर बच रहे हैं यहाँ पर भी आप हेयर जेल अप्लाई करके और इसको अच्छे से कॉम करके ताकि लड़का हेयर आपको डिस्टर्ब ना करे। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। बाय गाइस।